आरोपी मूल रूप से बिहार के हैं, जो एटीएम में डिवाइस लगाकर कार्ड क्लीनिंग के जरिए घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी कबूली और उनके पास से वाहन वहित कुल 6,16,000 का मसरूका जब्त किया गया। दिनांक 3 मार्च 2020 को थाना कोतवाली राजगढ़ में फरियादी विष्णु प्रसाद मेवाड़े पिता ग्यारसी राम मेवाड़े निवासी राजगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि उसके SBI बैंक खाते से करीब 1,56,000 रुपए धोखाधड़ी से निकाल लिए गए हैं। फरियादी की सूचना पर थाना कोतवाली की पुलिस टीम तत्काल एक्टिव होकर कड़ी से कड़ी जोड़कर साइबर पुलिसिंग के जरिए आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल हुई। जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा द्वारा जिले में पिछले दिनों हुई ऐसी ही कुछ वारदातों के बाद जिले के समस्त थाना प्रभारियों को विशेष रूप से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए, जिस पर घटना की पुनरावृत्ति होने से थाना प्रभारी कोतवाली राजगढ़ द्वारा उप निरीक्षक धर्मवीर पलैया के नेतृत्व में तत्काल एक टीम को आरोपियों की पतरासी के लिए रवाना किया। टीम द्वारा कई क्षेत्रों के वीडियो फुटेज के आधार पर और साइबर सेल से जानकारी प्राप्त कर एक संदेही व्यक्ति को चिन्हित किया। लोगों को पता होगा पिछले कई दिनों में केवल राजगढ़ में नहीं, स्टेट वाइज भी और कंट्री वाइज भी बहुत सारे ATM से रिलेटेड अपराध हो रहे हैं, जिसमें एक तरह की श्रृंखला होती है जब OTP मांगा जाता है या पिन मांगा जाता है। अभी एक नया तरह का अपराध देखने में आया है, जिसमें कई बार जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं या जिनको ATM यूज करने का उतना ज्ञान नहीं होता है, तो उनके पीछे कोई ना कोई आदमी खड़ा रहता है जो उनका ATM मदद करने के नाम पर ATM लेता है, उसको स्वाइप करता है, उसका डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, क्लोन करता है और किसी और जिले में किसी और प्रांत में उसके माध्यम से पैसा निकाल लेता है। इसी में एक और मोड अभी जो सामने आया है, ये जो आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, इन्होंने ATM के अंदर ही इस तरह के क्लोनिंग डिवाइसेस लगा दिए थे। जैसे ही कोई आदमी उसमें अपना पैसा निकालने के लिए उसको क्लोन करता है, स्वाप करता है, तो जो ATM है उसका जो डेटा है वो उस क्लोनिंग डिवाइस पर फीड हो जाता है, जिसको ये दूसरे ब्लैंक ATM कार्ड पर राइट कर लेते हैं। और जो वो ब्लैंक ATM कार्ड पर राइट करते हैं उसके माध्यम से वो किसी और ATM पे जाके, जो कि इस जिले में ना होके कहीं बहुत दूर की जगह पे होता है, वहां से उस पर पैसा निकाल लेते हैं। इसी कड़ी में हमारे यहाँ 3 जनवरी को एक अपराध दर्ज हुआ था, जिसमें विष्णु प्रसाद मेवाड़े, इन्होंने सूचना दी थी कि इनके SBI खाते से करीब 1,56,000 रुपये इसी तरह की धोखाधड़ी करके निकाल लिए गए। इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें अपराध दर्ज किया गया था और इसमें उप निरीक्षक धर्मवीर पलैया और साइबर से रवि कुशवाहा और शशांक, इन तीनों की मेहनत और जो हमारी नवागत SDOP है मंजू चौहान और डिस्ट्रिक्ट साहब हमारे नवल से सोगे, इन्होंने इसको पर्सनली इंटरेस्ट लेते हुए, क्योंकि इसमें जो हमें क्लू मिले थे उसमें ये समझ में आया था कि इन लोगों ने केवल राजगढ़ में ही नहीं और भी बहुत जगह पर इस तरह के अपराध किए हैं जो इन्होंने गिरफ्तारी के बाद कबूले भी हैं। ये दिल्ली से एक गाड़ी में चले और आगरा के रास्ते ग्वालियर होते हुए ब्यावरा आए, ब्यावरा से ये राजगढ़ आए और इसी बीच में इन्होंने कई जगह पर इस तरह की घटनाएं करना स्वीकारा है। इसमें जो मेन संदेही था जो हमें साइबर की मदद से पकड़ में आया वो विपिन कुमार पिता उपेंद्र कुमार निवासी साहोपुर जिला नवादा बिहार, इसको गिरफ्तार किया गया, जिसने अपने गैंग के अदर मेंबर्स के बारे में भी हमको अवगत कराया। इसके कब्जे से हमें काले रंग का डिवाइस मिला है जो बेसिकली कहीं पर भी फिट हो जाता है और अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका डेटा उस ATM में स्टोर हो जाएगा, जिसको ब्लैंक ATM भी इनके पास से मिले, जिसको ये ब्लैंक ATM पे राइट कर देते हैं और उसके माध्यम से इसको यूज़ करते हैं। इनसे पूछताछ में जो दूसरा आरोपी हमको पता चला वो श्रवण कुमार पिता करियानंद, ये छतियार, ये भी नवादा बिहार के ही रहने वाले हैं। इनके पास से हमको एक स्विफ्ट कार डीजल की 3151 जो इन्होंने इस अपराध में यूज़ की वो हमें जब्त हुई है। उस गाड़ी का हमने मूवमेंट भी ट्रैक किया है और जहाँ जहाँ इन्होंने घटनाएँ कबूली हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने घटना करना भी स्वीकारा है, हम उस जगह पर उस गाड़ी का मूवमेंट भी ट्रैक कर रहे हैं और संबंधित थाना प्रभारी हैं जो उनको भी अवगत कराया। इसमें जो लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।